सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता, प्रेम सहयोग विश्वास निष्ठा सुरक्षा सहानुभूति और सम्मान ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। राधे राधे। आज का पंचांग 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि 27 अगस्त को रात्रि 2:20 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:45 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:03 से 3:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त दिन सोमवार यानी आज मनाया जाएगा। इस बार अष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर आरंभ होगी और इसका समापन 27 अगस्त को 2:20 पर होगा, यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12:44 तक होगा। इस अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रही। तुला राशि 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार, हाल ही में मिली सफलता या आमदनी के नए स्रोत के माध्यम से धन मिलेगा। इस धन का सोच समझकर प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टर के पास जाना भी आवश्यक हो सकता है। सामाजिक कार्यों का आनंद लें, लेकिन एकांत और आत्मविश्वास के लिए समय निकालें। आज आपके सपने सच हो सकते हैं। क्या आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदी है, क्योंकि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आपके जैकपॉट जीतने की पूरी संभावना है। अपने आकर्षण और करिश्मे के साथ आप सबका दिल जीत लेंगे। हर व्यक्ति का दुनिया में कोई खास मकसद है, इसीलिए पुरानी बातों को भूलें और भविष्य के निर्माता बनें। आज आप आवेगी मूड में हैं, किसी भी काम के बारे में भली प्रकार सोचे बिना ही करने दौड़ पड़ेंगी, जिसके कारण आपको कार्यस्थल पर और पारिवारिक जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इस समय ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को शांत रखें। आपके सामने कोई अवसर एक साथ आएंगी, आपको सोच समझकर उनमें से चुनना है। अपना धैर्य ना खोएं, खास तौर पर मुश्किलें हालात में। आपको सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च ना करें, ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है। पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता दें, बिना देर किए बातचीत करें, क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने पर घर में जीवन बहुत आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज प्यार की कमी महसूस हो सकती है। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं, ये कभी लोगों के बीच रहकर हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगी। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। आपकी बातों को आपके घर वाले आज गौर से नहीं सुनते, इसीलिए आज उन पर आपका गुस्सा फूट सकता है। आज आपका कोई विशेष कार्य होने वाला है। परिवार के किसी सदस्य के भविष्य संबंधित फैसले लेने में आपकी राय सराहनीय रहेगी। व्यस्तता के बाद भी आप अपने संबंधों और मित्रों के साथ संपर्क में रहना पसंद करेंगी और नजदीक आएंगी। भविष्य से संबंधित विचार करते हुए वर्तमान में बदलाव करना आपके लिए संभव होगा। यात्रा से संबंधित योजना बन सकती है। अपने बर्ताव की वजह से प्रभावशाली लोगों की
मन में नकारात्मक छवि न अपने बर्ताव की वजह से प्रभावशाली लोगों के मन में नकारात्मक छवि न बने, इस बात का खास ध्यान रखें और जीत से बचें। काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक बेचैनी महसूस होगी, लेकिन संयम के साथ प्रयत्न जारी रखना जरूरी है। पार्टनर को दिए वचन को ठीक से निभाना होगा। सर्दी और बुखार की वजह से सेहत बिगड़ सकती है, ख्याल रखें। सावधान्य, बेवजह किसी से न उलझें और अपने विचारों में स्थिरता बनाए रखें। बच्चों का आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखने में आपका सहयोग अवश्य होगा। कोई निर्णय लेने से पहले उसके हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच भावनात्मक रूप से लगाव हो सकता है। एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास रखना जरूरी है। साथी के इंतजार में है तो खुश हो जाइए, क्योंकि जल्दी ही आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। आपके आकर्षण और करिश्मा किसी का भी दिल जीत लेगा। रिश्तों का महत्व आपसे अधिक और कोई नहीं समझ सकता। अपने आकर्षण और करिश्मे से आप सबका दिल जीतने के लिए तैयार हैं। आपका प्रेमी भी आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा। इस दौर का दिल खोलकर स्वागत करें। याद रखें, सबके प्यार के रास्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो जाते हैं, किंतु अंत में सभी को मंजिल मिल ही जाती है। आज आप भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में हैं और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तुक ना बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ा बात मानेंगे। आपके पार्टनर को भी आपकी सॉफ्ट साइड दिखाई देगी। वैसे इस मूड में आप कभी कभार ही होते हैं, इससे आपके पार्टनर को आश्चर्य तो होगा लेकिन संबंध में मजबूती ही आएगी। बात करते हैं करियर की। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद ना देख पाए और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने रिश्ते में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। समूह या क्लब आज आपके आकर्षण का केंद्र होंगे, जहां आप नए लोगों से मिलकर नए अवसर प्राप्त करेंगे। नेटवर्किंग का प्रयोग करके आप और भी तरक्की कर सकते हैं। आज अपने शुभचिंतकों को निराश न करें। मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। सपने सच हो सकते हैं, यह बात आप अब महसूस कर रहे हैं। आज परिस्थितियां और भाग्य आपके पक्ष में है। जैकपॉट जीतने की संभावना है। प्यार और धन दोनों आपके जीवन में खास भूमिका निभाकर उसे रोमांचक बना रहे हैं। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन अपने प्रयासों से आप उन पर भी विजय पा सकते हैं। कोई व्यवसायिक डील करते समय उचित सावधानी बरतने की भी जरूरत है। जरा सी गलती या चूक से नुकसान हो सकता है। आप अपनी कार्य क्षमता से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे। बात करते हैं सेहत की। आज आपके पूरा दिन खुशी, आपके स्वास्थ्य और सामान्य बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना से भरा होगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिल्कुल सही रहेगा। आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनेगी। आज का उपाय, कृष्ण भगवान जी की पूजा आराधना करें, आज शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।